बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। बंगाल से बड़ी खबर है, जहां बंगाल चुनाव के पांचवें चरण के लिए चुनाव प्रचार थमा है और 17 अप्रैल को ये 45 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होने वाली है। और आपको ये भी बता दें कि उत्तरी 24 परगना की 16 सीटों पर ये मतदान होगा और पूर्व बर्धमान और नादिया की 8-8 सीटों पर ये मतदान होगा। साथ ही आपको अहम जानकारी देते चले कि कली पोंग जिले की एक विधानसभा सीट पर ये मतदान होगा और 17 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक मतदान होगा। तो बंगाल चुनाव पांचवें चरण के लिए चुनाव प्रचार थमा है और 17 अप्रैल को 45 विधानसभा सीटों पर ये वोटिंग होने वाली है। उत्तरी 24 परगना की 16 सीटों पर मतदान होगा, पूर्व बर्धमान और नादिया की 8-8 सीटों पर ये मतदान होगा, जलपाईगुड़ी की 7 और दार्जिलिंग की 5 सीटों पर ये वोटिंग होगी। और आपको अहम जानकारी ये भी बताते चले कि कलिम्पोंग जिले की एक विधानसभा सीट पर ये मतदान होगा और 17 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक वोटिंग होगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है, सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर बंगाल चुनाव को लेकर सियासी घमासान जारी है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां पर पांचवें चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया है, तो दूसरी तरफ अब ये भी हम जानकारी आपको देते चले कि मोदी जी बुलाते हैं दीदी, लेकिन वह दे रही गालियां। तो संस्कार के बहाने स्मृति का ममता पर हमला है ये। तो पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां बंगाल चुनाव को लेकर सियासी घमासान जारी है, तो संस्कार के बहाने स्मृति का ममता पर हमला है ये। स्मृति ईरानी ने हमला बोला है सीएम ममता पर। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।